हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज अपन लोग देखने वाले हैं कि पीसीओडी क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और इसे ठीक करने का क्या उपाय है। जो पीसीओडी है, या हम इसे पीसीओएस भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये मुख्यतः क्या होती है, ये एंडोक्राइनल मतलब हमारी बॉडी में जो महिलाओं की बॉडी में जो ग्रंथियाँ होती हैं, तो बहुत सारी ग्रंथियों में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लक्षण पैदा होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पीसीओडी बोलते हैं। और जिसमें साथ में उनकी जो ओवरी होती है, जहाँ से अंडाणु बनते हैं, वो में उनमें भी क्या मिलती है, उन्हें सिस्ट मिलती है या छोटी छोटी हमें गांठें दिखाई पड़ती हैं, जब सोनोग्राफी कराया जाता है। लेकिन जो पीसीओडी है, ये मुख्यतः आज के ज़माने में वेरी कॉमन है यंग लड़कियों में, जो 13, 14, 15 साल इस एज में बहुत कॉमनली मिल रही है। क्लिनिक में देखते हैं हम लोग कि बहुत कॉमनली ये पेशेंट आते हैं। जनरली ये जो होती है, ये जो है 13 साल से लेके 45 साल के बीच में, मतलब जब से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और जब ब्लीडिंग आपकी बंद होती है, उसके बीच में कॉमन होती है। लेकिन हो सकता है पीरियड्स बंद होने के बाद भी कभी हो जाए, लेकिन बहुत रेयर होता है। लेकिन कॉमन तो इस दौरान ही होती है, 13 से लेके 45 साल के बीच में होती है, जब ब्लीडिंग्स उनकी आती रहती हैं। ठीक, इसमें जो मुख्य लक्षण होता है, सबसे पहले इरेगुलर मेंसेस, पीरियड्स जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ऐसे पीरियड्स नहीं आते हैं। ठीक है, दूसरा लक्षण मिलता है, चेहरे में अनवांटेड हेयर आने लगते हैं। ठीक है, उनकी मूंछ आने लगती है, दाढ़ी आने लगती है। इसके अलावा बॉडी में भी बहुत सारे जगह में बाल आने लगते हैं। नॉर्मली जो होता है, फीमेल का जो जेनिटल पार्ट होता है और जो एक्जिला वाला पार्ट होता है, वहाँ पर बाल होते हैं, लेकिन उसको छोड़ के यदि और कहीं बाल आते हैं, पीठ में, चेस्ट में, पेट में, पैरों में, हाथों में, ये अनवांटेड हेयर कहलाते हैं, तो ये मिल सकते हैं। इसके अलावा चेहरे पे पिंपल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा उनकी आवाज़ में बदलाव आ जाता है, मोटापा उनको मिलता है, बाल झड़ने लगते हैं। और जिन महिलाओं में शादी हो गई है, यदि उनको पीसीओडी है, तो उनमें बच्चा कंसीव होने में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। ये पेशेंट भी बहुत कॉमनली मिलते हैं। ठीक, तो ये कुछ कॉमन लक्षण इसमें मिलते हैं। लेकिन जो पहला लक्षण मिलता है इरेगुलर मेंसेस, ये कॉमनली मिलता है। तो ये सब लक्षण जो हैं पीसीओडी के या पीसीओएस के पूरे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कहलाते हैं। ठीक, अभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं, इन्हें पैदा करने का मुख्य कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण तो ये है कि आपका जो है लाइफ स्टाइल ख़राब है। यदि आप प्रॉपर आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है, जैसे कि आपको प्रॉपर टाइम पे सोना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए, ये एक कारण होता है। यदि कोई फीमेल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तभी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इन सब से छोड़ के भी सबसे मुख्य कारण होता है शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ना। यदि किसी लेडीज़ में लगातार शुगर की मात्रा बढ़ती है, लगातार शुगर की मात्रा बड़ी बनी रहती है, तो वो उनकी बॉडी में पीसीओडी पैदा कर देता है। कैसे? या पीसीओडी जैसे लक्षण जो हैं वो पैदा होने लगते हैं, क्योंकि और शुगर उन लोगों में ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं। इसके अलावा जो लोग लगातार हर आधे घंटे में, 15 मिनट में, 1 घंटे में उनको खाने का मन होता रहता है, हर आधा घंटे में, 15 मिनट में खाते रहेंगे, ऐसे लोग कॉमनली उनकी बॉडी में शुगर ज़्यादा होता है। ठीक, जो जो लोग ऐसे ज़्यादा खाना खा रहे हैं, रेगुलरली खाना खाते हैं, रेगुलरली फूड खाते रहते हैं, उन्हें रेगुलरली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बॉडी में शुगर ज़्यादा होगा। शुगर ज़्यादा जब भी बॉडी में होता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन भेजती है, और इंसुलिन क्या करती है, शुगर को कंट्रोल करती है। लेकिन जैसे ही शुगर ज़्यादा होगा, इंसुलिन ज़्यादा होगा, और ये लगातार लंबे समय तक ऐसा बना रहता है, शुगर ज़्यादा, इंसुलिन ज़्यादा, तो ये कंडीशन बनी रहेगी बॉडी में, तो एक टाइम के बाद जो इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में होता है, वो आपकी ब्रेन की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करेगी या उसको स्टिमुलेट करेगी, और वहाँ से LH नाम के हार्मोन्स को ज़्यादा निकलवाएगी। ज़्यादा शुगर होगा तो ज़्यादा इंसुलिन ऑटोमेटिकली होगा, ज़्यादा इंसुलिन होगा तो वो पिट्यूटरी से LH नाम का हार्मोन निकलवाएगी। और ये जो LH
एलएच नाम का जो हार्मोन है ये फाइनली कहाँ पहुँचेगा, आपके ओवरी में पहुँचेगा और वहाँ जाकर क्या करेगा वो हार्मोन्स बनवाएगा। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो जब भी आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा होगी, इंसुलिन ज़्यादा होगा, एलएच ज़्यादा होगा और फाइनली बॉडी के अंदर एंड्रोजन नाम का हार्मोन ज़्यादा बनने लगेगा। जिन महिलाओं में एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनेगा, जो लक्षण मैंने आपको बताए वो लक्षण उनको मिलना चालू हो जाएंगे, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन जो होता है एक मेल हार्मोन होता है। फीमेल में और मेल में कंपेयर करें तो मेल में ये हार्मोन ज़्यादा होता है, फीमेल में बहुत कम होता है। लेकिन फीमेल में इसलिए कम होता है क्योंकि उनको मेल जैसे सिम्टम्स नहीं, मतलब मेल जैसे जो कैरेक्टर वो नहीं चाहिए होते हैं, तो थोड़ा कम मात्रा में होता है। और वो भी कम मात्रा में जो होता है वो भी उनको ओवरी वाला नहीं चाहिए होता, कहीं और दूसरी ग्लैंड से निकलता है। लेकिन जो ओवरी वाला जो एंड्रोजन है वो तो पूरा का पूरा ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, ओवरी में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बनता है, लेकिन वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो उस फॉर्म में नहीं रहता है। लेकिन कई महिलाओं में ऐसा होता है कि इतनी अधिक मात्रा में एंड्रोजन बनता है कि वो पूरा का पूरा ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, थोड़ा बचा रहता है और ब्लड में आता है। और ब्लड में आने के बाद जो मैंने आपको लक्षण बताया, चेहरे में, शरीर में बाल, आवाज़ का बदलाव, मोटापा, आपको पिंपल, ठीक है, इसके अलावा जो सही जो शादी हो गई उनमें बेबी कंसीव ना हो, ये सब सिम्टम उनको मिल लगते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में एंड्रोजन। तो मेन कारण है शरीर में एंड्रोजन हार्मोन्स का बढ़ जाना। और वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शुगर बढ़ रही है, सबसे मेन कारण होता है शुगर। तो इस तरीके से उनकी बॉडी में पीसीओडी हो जाता है। तो जिनको पीसीओडी है वो नेचुरली ठीक हो सकती हैं, मतलब उनको कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली उनको क्या करना है, अपना शुगर कंट्रोल करना है, शुगर को मैनेज करना है, कम शुगर लेना है, कॉम्प्लेक्स शुगर लेना है आपको। यदि आप ये सब मैनेज करते हैं तो जो आपकी जो पीसीओडी है वो बिल्कुल नेचुरली ठीक हो जाएगी। आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लें आपका पीसीओडी ठीक नहीं होता है जब तक कि आपका शुगर मैनेज नहीं होता है, ठीक है? तो आप शुगर को मैनेज करें और अपना पीसीओडी ठीक करें। शुगर मैनेज हो जाएगा तो इंसुलिन हो जाएगा ठीक, इंसुलिन ठीक हो जाएगा तो एलएच नॉर्मल हो जाएगा, और एलएच नॉर्मल हो जाएगा तो आपका एंड्रोजन नॉर्मल हो जाएगा, और एंड्रोजन नॉर्मल हो जाएगा तो आपकी जो बॉडी में जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके से आपका पीसीओडी कैसा हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, एंड इस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के जो वीडियोस हैं आपके नॉलेज